सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबनु जी आया नु कैसे हैं आप लोग। नए साल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2022 का मेरा पहला लाइव है। उम्मीद करता हूँ आप सबका नया साल बहुत मजे में बीता होगा और लेट्स सी कि सबसे पहले नए साल में मुझे लाइव रिक्वेस्ट कौन भेजता है। आ जाए फिर देखते हैं। हेलो नमस्ते, कहाँ से बोल रही हूँ? सर मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा पूछिए क्या सवाल आपका। सर मैंने आपसे पहले भी बात करी थी एक बार, शायद दो तीन महीने पहले बात करी थी। उस टाइम पे सब जने जयपुर से आई थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या सर डाइट वगैरह सब कुछ ली है पर लेकिन जैसे ही अभी विंटर आया है तो पूरा मतलब वापस वैसे के वैसे ही हो गया है मेरा। अच्छा। पूरा यहाँ पे और ये फेस, ये मतलब पहले जब मैंने वो डाइट ली थी ले रही हूँ तो वो ठीक हो गया था, पर जैसे ही अभी ये विंटर आया तो फिर से ये अपने आप दिखने लग गए। कितना साल हो गया इसको? मेरे बेटे को 4 साल हो गए तो ये 4 साल से है, उसके टाइम पे हुई थी मुझे। और डाइट लेते हुए कितना वक्त हो गया आपको? डाइट लेते हुए सर कम से कम मुझे 5-6 महीने हो गए। अच्छा तो देखिए ऐसा ना होता है, सर्दियों में आपको अक्सर ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन ज्यादा डार्क हो गया है, ऐसा होता है। ठीक है तो बस ये है कि आपको यही डाइट फॉलो करते रहना है। सीजन का चेंज होने से थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है लेकिन आप ऐसी डाइट फॉलो करते रहो। और जब मैं पूछता हूँ कि आप डाइट फॉलो कर रहे हो, हर कोई बोलता है जी फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि डाइट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि प्रोटीन की बहुत कमी होती है, ऐसा सबके साथ होता है एक के। तो मैंने जितने प्रोटीन के सोर्सेज बताए, मेक श्योर कि आप ओवरऑल हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। आप सप्लीमेंट जरूर साथ में ऐड कर लो, कोई एक प्रोटीन पाउडर ले लो और साथ में आप सुपर ग्रीन ले लो, ओमेगा 3 ले लो, ये 3 चीजें जरूर आपने साथ में लेनी है। ठीक है तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप सप्लीमेंट का सहारा भी साथ में लो ताकि जैसे ही डेफिशिएंसी खत्म होगी तो ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैंने मुझे डाइट बताएं जरा क्या लेती है, अभी पता लग जाएगा मुझे। मैं एक तो वो मैंने महीने भर से ओमेगा 3 वाला वो छोड़ दिया है मैंने। अच्छा वो मैं नहीं ले रही हूँ, बाकी मैं वो बेटा ओजीविया का वो प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। उसके साथ में मैं एप्पल वगैरह, अभी तो क्या सीजनल वो फ्रूट्स वगैरह सब आ रहे हैं तो मैं वो सब लेती हूँ, जैसे वो गाजर वगैरह सब सबका जूस बना के लेती हूँ मैं। ऑरेंज, एप्पल, अनार सब कुछ खा रही हूँ मैं सीजनल फ्रूट में। अच्छा। और प्रोटीन पाउडर का वो शेक लेती हूँ मैं सुबह सुबह, और लेमन वाटर लेती हूँ। ऑरेंज भी मैं बहुत ज्यादा ले रही हूँ सीजनल फ्रूट में, और आप जैसे सैलेड वगैरह वो भी मैं ले रही हूँ उसके, मैं गाजर वगैरह सब कुछ, टमाटर वगैरह सब ले रही हूँ, और दही भी ले रही हूँ, सिनेमन पाउडर भी ले रही हूँ। और फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी, रेगुलर करती हैं फिजिकल एक्टिविटी? हाँ वॉक पे जाती हूँ सर। कितनी देर से करती हैं? मैं सुबह जाती हूँ मैं 5:30 से 6 बजे तक। अच्छा कम से कम देखो एक घंटा रखो आप, आधा घंटा सुबह कर लो आधा घंटा शाम को कर लो। ठीक है और ओमेगा 3 छोड़ना नहीं है, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपको ठीक नहीं होता है, हाँ ओमेगा 3 आप साथ में लो कंटिन्यूस रखो। ठीक है तभी मैं कहता हूँ जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक आप सप्लीमेंट का सहारा जरूर लो, साथ में डाइट भी लेते रहो, खुश रहो और ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है तो ये कंटिन्यू ले सकते हैं ओमेगा 3, मतलब मुझे 5 महीने नहीं बिल्कुल कंटिन्यू, जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप लेते रहे। मेरा तो नहीं है पिगमेंटेशन, उसके बावजूद मुझे मैं लेता हूँ ताकि ओमेगा 3 वैसे ही आपकी डाइट में कमी होती है। ठीक है तो मेक श्योर आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, रेगुलर हर चीज को ना रेगुलर तरीके से लें। जैसे एक बच्चा एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो सारे में फेल हो जाएगा वो, है ना, तो वैसे ही पिगमेंटेशन है। अगर एक चीज कमी हुई आपकी डाइट में तो बाकी चीजें भी काम नहीं अच्छे से करेंगी, तो हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है तो मेक श्योर आप कंटिन्यूअसली लें। ठीक है जी चलिए अपना ख्याल रखिए, ये थी कविता जी, चलिए किसी और से बात करते हैं।